देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज। मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के गांव नगला हिम्मत में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में जोरदार मारपीट हुई। वहीं दूसरी ओर गांव के कुछ लोगों ने एकत्र होकर एक युवक के घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। देखिए हमारे संवाददाता विवेक कुमार की रिपोर्ट। बिछवा क्षेत्र के गाँव नगला हिम्मत में बच्चों की खेल खेल की लड़ाई में दो पक्ष आमने सामने आ गयी। गांव नगला हिम्मत निवासी ओम चंद्र पुत्र जहार सिंह ने तहरीर देते हुए बताया, उसे उसके 5 साल के बच्चे देव पत्नी किरण को गांव के निवासी अजय सिंह, राजीव, मोहित, संदीप, राहुल आदि लोगों ने एक राय होकर मारा पीटा है। जब रिपोर्ट कराने थाने आया तो वह सारे लोग मिलकर उसके घर में घुस गए और उसके घर में तोड़फोड़ कर दी। घर में रखे 2 लाख रुपए का सामान निकाल ले गए। मामले की सूचना थाना पुलिस को दी गई है। इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि मामला मारपीट का है, दोनों को तहरीर आ गई है, मामले की जांच कराई जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। पिताजी का नाम? जवाहर सिंह। आपका क्या नाम? किरण। पति का नाम? रामचंद। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ झगड़ा हुआ है, मारपीट की है उन लोगों ने, संदीप ने जी, और संदीप नेत्रपाल और राजू प्रधान और उनको लड़का मोहित और वो राहुल। राहुल, इन लोगों ने आपके साथ मारपीट की और क्या आपके घर में क्या ये लोग घुसे, क्या किया? मेरे घर में घुसे, खूब ईंट पत्थर चलाए हैं, खूब लाठी डंडा चलाए हैं। मेरे 5 साल का बच्चा की खपड़ी फटी हुई है और मेरे 2,89,000 रुपए मेरे घर में से निकाल लिए। मेरी जंजीर मेरे गले से टोरी है। हम जेवर छुटा के परसों ले गई थी सुनार के पास से, मेरे कुंडल टोरे और सब लोग। आप रिपोर्ट करने गई थाने? आप रिपोर्ट करने गई हो? हाँ, थाने में शाम को पहुँचे 9-10 बजे अपना बच्चा लेके। पुलिस ने क्या? उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिख ली है। ठीक, लिख ली है। फिर उन्होंने पोस्ट भेजा होगा, पता नहीं भेजा अभी।